गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौर असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी हम लोग एक अप्राचलिक सांख्यिकी यानी कि नॉन पैरामेटिक स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वेयेर की बात कर रहे थे और इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने लेसन में इससे पहले वाले लेसन में हम लोगों ने काई स्क्र को किस तरीके से उसका कैलकुलेशन की जाती है ये ज्ञात किया था आज हम बात करेंगे काई स्क्वायर में ही येट्स करेक्शन की येट्स करेक्शन या येट्स संशोधन संशोधन जो है वो तब उपयोग में किया जाता है जब आपको एफ ओ यानी कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं उस ऑब्ज़र्व फ्रीक्वेंसी में कोई भी संख्या पाँच से कम हो पाँच से कम का मतलब ज़ीरो वन टू थ्री फोर ज़ीरो तो होगी नहीं लेकिन जीरो वन टू थ्री फोर यदि किसी भी सेल में ये देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ हम अगर बात करें ये क्वेश्चन है आपका उदाहरण जो है इसमें दे रखा है दस सिक्कों को उछाला जाता है आठ बार चित्त तथा दो बार पट आकर गिरा सिक्के के चित्त तथा पट गिरने की संभाव्यता पाँच पाँच बार थी संभाव्यता यानी प्रॉबिलिटी तो क्या सिक्के के चित्त और पट गिरने का निरीक्षित व्यवहार यानी कि एफ ओ जो है या एफ ओ बारम्बारता प्रत्याशित बारम्बारता के बीच अंतर संयोगवश है जैसा मैंने आपको बताया था कि काई स्क्वायर का उपयोग हम प्रेक्षित या निरीक्षित फ्रीक्वेंसी बारम्बारता तथा प्रत्याशित फ्रीक्वेंसी के बीच अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए करते हैं यानी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और जो हम प्रत्याशित करके चलते हैं कि ऐसा होना चाहिए दोनों इक्वल होने चाहिए उसको आ, उसके बीच जो अंतर है उसकी सार्थकता ज्ञात करने के लिए किया जाता है तो जैसे कि यहाँ प्रश्न में ही आपको दिखाई दे रहा है कि जो दस सिक्के उछाले गए उसमें से एक सिक्का आठ बार तथा सॉरी एक आ, सिक्के में आठ बार चित्त तथा दो बार पट गिरा है एक सिक्के को दस बार उछाला गया है आठ बार चित्त और दो बार पट यदि आता है तो उसकी आपको जो ऑब्ज़र्व फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है आप देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें इसको अगर टेबल फॉर्म में देखें तो एफ़ ओ जो है उसमें चित्त आने की प्र, अ, कितनी है आठ बार और पट आने की दो बार ये क्या चीज़ है ये आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दे रखी है एट और टू जो बता रखा है ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लेके चलते हैं कि दोनों ग्रुप में इक्वल होगी यानी हमारा जो टोटल नंबर था टेन उसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे टेन डिवाइडेड फाइव सॉरी टेन डिवाइडेड टू तो ये आपके पास फाइव आ जाएगा तो हमारी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो एट और टू है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी कि प्रत्याशित जो फ्रीक्वेंसी है वो पाँच और पाँच है तो अब आप देखिए यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में एक संख्या दो है जो हमारे सेल के अंदर है और मैंने आपको बताया यदि वन टू थ्री फोर यानी पाँच से कम यदि आपके पास एफ ओ हो किसी भी सेल में इनको सेल बोलेंगे किसी भी ब्लॉक में यदि आपके पास एफ ओ ऑ ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी एक दो तीन चार हो तो हम येट्स करेक्शन लगाते हैं येट्स संशोधन बोलते हैं या करेक्शन बोलते हैं तो येट्स करेक्शन ये लागू होता है और येट्स करेक्शन का सिंपल सा मतलब है कि आपका जो एफ़ ओ माइनस एफ ई आएगा उसमें से आप पॉइंट फाइव को माइनस कर देंगे और अभी जैसे हम बताएंगे पॉइंट फाइव माइनस करने का मतलब है कि जो भी आपकी संख्या है चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो आपको उसमें से पॉइंट फाइव माइनस करना है बस यही येट्स करेक्शन कहलाता है तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे एफ़ ओ आपको दे रखा है एफ ई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते हैं मैंने आपको बता रखा है टोटल नंबर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय टोटल जो ग्रुप नंबर ऑफ़ ग्रुप है नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो आप डिवाइड कर देंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास टेन थी ग्रुप्स हमारे पास टू थे तो ये हमारे पास फ़ाइव आ गई यानी एफ ई जो है वो दोनों ग्रुप के लिए हमारे पास पाँच पाँच हो जाएगी अब हम क्या करेंगे ये दोनों एफ ओ और एफ ई आ गए तो अब आप आसानी से एफ ओ माइनस एफ ई निकाल लेंगे ये देखिए एफ ओ माइनस एफ आपके पास एट में से फाइव गया थ्री और टू में से फाइव गया तो ये माइनस थ्री आएगा आपके पास यहां पे इन्होंने माइनस नहीं लिखा है बट मैं फिर से बता रही हूं ये आपके पास थ्री और ये माइनस थ्री रहेगा अब आपको यहाँ पे येट्स करेक्शन लगाना है ये वाई ए टी ई एस येट्स करेक्शन बोलेंगे इसको ये येट्स करेक्शन इसका मतलब है माइनस जीरो पॉइंट फाइव येट्स yes, करेक्शन का मतलब ही जो है एफ़ ओ माइनस एफ ई में से आप जीरो पॉइंट फाइव को माइनस कर देंगे अब देखिए क्योंकि जैसे मैंने बताया ये आपके पास संख्या माइनस में है अब आप सोचेंगे कि यदि ये माइनस फाइव लिखा है इसे आप पॉइंट फाइव पढ़िएगा प्लीज़ ये माइनस पॉइंट फाइव है पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो माइनस पॉइंट फाइव माइनस करना है यानी कि तीन में से भी माइनस पॉइंट फाइव माइनस होगा और माइनस तीन में से भी आप ये नहीं करेंगे कि माइनस तीन और माइनस पॉइंट फाइव मिलकर थ्री पॉइंट फाइव उसको जोड़ नहीं लेंगे आपको जो ओरिजिनल वैल्यू है एफ ओ माइनस एफ ई की चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो उसमें से आपको पॉइंट फाइव को माइनस करना है तो ये आप देखिए यहाँ पे जब हमने किया तो दोनों थ्री में से पॉइंट फाइव माइनस करने पर आपके पास टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव आ जाएगा टू पॉइंट फाइव को जब आप स्क्वायर uh, करेंगे क्योंकि हमें आगे एफ़ ओ माइनस एफ़ ई को स्क्वायर करना है आपका येट्स करेक्शन इससे पहले ही लग जाएगा अब वापस वही प्रोसेस है एफ़ ओ माइनस एफ़ ई का होल स्क्वायर यानी कि आप 2.5 का होल स्क्वायर कर देंगे 2.5 पॉइंट फाइव इंटू कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.25 यानी दोनों जगह आपके पास 6.25 आ गया ये मैं फिर से बता रही हूँ ये जो संख्या है ये माइनस में चल रही है लेकिन जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर भी क्या होता है माइनस माइनस प्लस होके सिक्स पॉइंट टू फाइव हो जाता है तो यहाँ तो हम माइनस का ध्यान रखेंगे लेकिन येट्स करेक्शन में जो पॉइंट फाइव माइनस करने की बात है उसमें हम प्योर जो नंबर है उसमें से माइनस करेंगे माइनस प्लस के निशान को ध्यान नहीं रखेंगे और ना ही उसको माइनस माइनस आने पर जोड़ेंगे तो इस तरह देखिए आपके पास एफ ओ आ गया अब हम इसको एफ़ ओ माइनस एफ़ ई डिवाइडेड बाई जो एफ़ ई -E हमारा आगे का जो फार्मूला है उसको हम कंटिन्यू करेंगे ये देखिए एफ़ ओ माइनस एफ़ -E ई का जो होल स्क्वायर है उसके बाद डिवाइडेड बाई एफ़ ई हो जाएगा यानी कि पाँच से आप इनको डिवाइड कर देंगे ये देखिए तो सिक्स पॉइंट टू फाइव से पाँच को डिवाइड करेंगे ये भी सिक्स पॉइंट टू फाइव से फाइव को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वन पॉइंट टू फाइव आ जाएगा वन पॉइंट टू फाइव यह आपके पास एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई आया है और अब आपका जो काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो आप सबको पता है क्या होता है सिग्मा ब्रैकेट में आप ये ले लेंगे एफ ओ माइनस एफ ई -E का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई -E, यानि कि ये जो संख्या आई थी ये दोनों जो अलग अलग आई थी इनको सिग्मा कर लेंगे बेसिकली तो ये आपके पास फुट सूत्र रहता है तो हम इन दोनों को एक्स स्क्वायर काई स्क्वायर निकालने के लिए वन पॉइंट टू फाइव प्लस वन पॉइंट टू फाइव कर लेंगे और ये आपके पास का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास आ रहा है टू पॉइंट फाइव ज़ीरो डी निकालने का सूत्र मैं आपको बता चुकी हूँ कॉलम माइनस वन रो माइनस वन हमेशा जब भी आप एफ ओ माइनस एफ ई जो सिंगल वाला लेंगे तो इसमें रो हमेशा दो होंगे एक एफ ओ एक एफ ई -E, क्योंकि इसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है तो रो आपके पास टू है और यहाँ कॉलम भी हमारे पास दो ही है तो टू माइनस वन टू माइनस वन दोनों वन आएगा वन वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा तो डी एफ आपका आ जाएगा वन और काई स्क्वायर का आंसर आ रहा है आपके पास टू पॉइंट फाइव ज़ीरो और इसको जब टेबल में से देखेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा ये पॉइंट जीरो फाइव पे ज़्यादा है या पॉइंट जीरो वन पे टेबल की बात हम बाद में करेंगे तो इस तरीके से आपको येट्स करेक्शन यूज़ में लेना है ध्यान रखने वाली जो बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जब भी आपके पास किसी भी सेल में लेस देन फाइव फ्रीक्वेंसी हो फिर से देखिए लेस देन फाइव यानी कि वन टू थ्री फोर अगर ये आपके पास आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हो एफ ओ की तो आप येट्स करेक्शन यूज़ करेंगे और येट्स करेक्शन का मतलब है एफ ओ माइनस एफ ई में से ज़ीरो पॉइंट फाइव को माइनस करना तो ये आपका येट्स करेक्शन है जिसके द्वारा प्रश्न आप हल करेंगे थैंक यू सो मच